नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सर्प रक्षक संदीप जोशी पर। दोस्तों आज कुछ स्कॉर्पियन इसको रेस्क्यू किए थे तो इसी को इधर फॉरेस्ट एरिया में आज़ाद करने के लिए आए हैं। देख सकते हैं चार स्कॉर्पियन है और बहुत ही बिग साइज का है ये। तो आइए आज बिच्छू के बारे में कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो बने रहें वीडियो में अंत तक और आइए इस सबको निकालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बिग साइज और ब्लैक। दोस्तों दो कलर का आता है, एक आता है ब्राउन कलर का आता है एक, और ये जो है ब्लैक है। दोस्तों बिच्छू अगर आपको डंक मार दे तो इसका घरेलू उपाय हम बता रहे हैं। कभी भी अगर डंक मारे तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। जो माचिस का तिल्ली आता है दोस्तों, उसको आप 4-5 तिल्ली लीजिए और उसको आप जो उसका बारूद आता है फास्फोरस, उसको आप ब्लेड या छुरी के सहारे इकट्ठा कर लें और एक टैबलेट की तरह 2-3 बूंद पानी देके गोल कर ले उसको। उसके बाद उस जिस जगह वो व्हील घुसाया है ये, उस जगह पर उसको आप लगा के और 5 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद दोस्तों 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जितना जलन है सारा ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा उपाय क्या है दोस्तों, जो दाढ़ी उड़ी बनाने का फिटकरी आता है एक वाइट कलर का, उसको आप लोग गरम करके मोमबत्ती या कुछ चीज़ से गरम करके और जिस जगह व्हील घुसा है वहाँ सेक ले तो उससे भी दोस्तों 5 से 10 मिनट में उससे भी जलन ख़त्म हो जाता है। तो ये था बिच्छू को जलन हटाने का उपाय। तो आप लोग दोबारा कभी भी डंक मारे बाई चांस ये गलती से, तो आप लोग घबराएं नहीं, जो बताएं उसको कीजिएगा, पक्का एकदम 90% एकदम 100% 100% ठीक हो जाएगा। देखिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा को कम करने के लिए ये गॉड गिफ्ट है। तो इसको भी आप लोग मारे नहीं, बचाए रखे, इसको भी बचाए। हर चीज़ को हमारा जो है इस वर्ल्ड में हर चीज़ छोटा मोटा जितना जीव जंतु है सबको बचे रहना ज़रूरी है। सबको भगवान बनाया है कोई ना कोई चीज़ के लिए, तो इसको भी आप मारे नहीं, इसको भी बचाए रखें। ये जो है देखिए एक और है, इसका तो दोस्तों जो चिमटा सब होता है ये सब, इसमें इसका जहर नहीं है। इसका ये जगह, इसको जूम करके इसमें देख रहे हैं, इसी में इसका पूरा पॉइजन भरा हुआ है। जहाँ इसको आगे तरफ थोड़ा सा दबाव पड़ गया तुरंत ये पीछे वाला व्हील जो होता है गड़ा देता है। इसका दोस्तों और एक बात दोस्तों, ये जो है लाइफ में एक बार भी मम्मी बनता है, क्योंकि जब ये बच्चा को अपना बच्चों को जन्म देता है तो इसका बच्चों जो है बड़ा इसका पीठ पर रहता है और पीठ को इसका मम्मी का पीठ को धीरे धीरे पीठ का जो मांस होता है उसी को खाता है। धीरे धीरे खा खा के जैसे जैसे वो ग्रो करता है बड़ा होता है वैसे वैसे धीरे धीरे इसका मम्मी, एक ऐसा टाइम आता है इसका मम्मी डेथ कर देता है और जितना बच्चा है नेचुरल में घूरते फिरते रहता है। तो इसीलिए बिच्छू जो होता है लाइफ में एक ही बार इसका लाइफ होता है, मम्मी बनता है जो मेल फीमेल है। ये दोस्तों देख सकते हैं ये मेल है, मेल स्कॉर्पियन काफ़ी बिग साइज है, ये भी मेल है, ये तीनों मेल है और एक है ये वाला दोस्तों, ये फीमेल है। देखिए ये जो है बच्चों को जन्म देगा। तो चलिए इसको एक एक करके इधर आज़ाद कर देते फॉरेस्ट में। दोस्तों ये जो है कभी कभी जो बरसात का टाइम है अभी, और बरसात में एक छोटा छोटा एक तरह का कीड़ा होता है वो लाइट के पास घूमता है, उसी को खाने के लिए बेचारा लोग आप लोग घर में घुस जाएगा। तो मारे नहीं,
ये सबको इधर कोई भी डंटा या कोई चीज़ से जंगल तरफ छोड़ दे ले जाकर। दोस्तों आपने देखा, इसी तरह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी जीव जंतु का जान बचाते हुए। आपका अपना सर्वरक्षक संदीप जोशी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।